एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में स्वच्छता की अलख जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी ओर फरुखाबाद जिला प्रशासन इस अलख को डुबाने में लगा है। नगर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर पालिका परिषद को सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए के उपकरण दिए गए, लेकिन इनका उपयोग करने की जगह पालिका परिषद इन मशीनों को सड़ा रहा है। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस परिसर में मशीनें सड़ रही हैं। घरों तक कूड़ेदान पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कूड़ादान भेजे गए थे, लेकिन जिले में अभी तक कई ऐसे मोहल्ले, कई ऐसे घर हैं जिनमें कूड़ेदान अभी तक नहीं पहुंचा। साथ ही स्वच्छता की बात की जाए तो शहर में किसी भी चौराहे, तिराहे तथा गली मोहल्ले के बाहर कूड़ेदान नहीं लगाए गए हैं, जिससे कि लोगों को बाहर कूड़ा फेंकने में दिक्कत होती है। इस मामले पर ईओ का कहना है कि इन सब कबाड़ की नीलामी की जाएगी। काफी तादाद में कबाड़ पड़ा हुआ है, इसके लिए क्या मतलब किया जाए? जो कबाड़ पड़ा हुआ है उसकी नीलामी के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय ने एक कमेटी बना दी है, जिसके अनुरूप यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। कबाड़ को हम लोगों ने पार्ट्स में अलग अलग कर लिया है और उनकी अलग अलग ऑक्शन के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारी कमेटी के एक सदस्य का ट्रांसफर हो गया है, तो जैसे ही नए सदस्य उसमें जुड़ जाते हैं उसके तत्काल पश्चात कार्रवाई। और जो वाहन है उनके लिए क्या किया जा रहा है? वाहनों के लिए एआरटीओ महोदय ने अपनी एक लिस्ट भेज दी है सर्वे करके, जिसमें जो निष्प्रयोज वाहन है उनका अमाउंट के साथ उनकी लिस्ट हमें प्रोवाइड करा दी है, तो उन पर भी ऑक्शन के माध्यम से ही कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सदर नगर पालिका परिषद में स्वच्छ भारत मिशन के उपकरणों पर घास जम गई है और बाकी के उपकरणों को इस्तेमाल तक नहीं किया गया है। साथ ही उपकरणों को कबाड़ के रूप में एक किनारे रख दिया गया। गली मोहल्ले से कूड़ा उठाने वाले रिक्शा को नगर पालिका ने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। इससे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। कोई भी कर्मचारी बोलने को तैयार नहीं है, ना ही इन उपकरणों का कोई ध्यान देने वाला है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान सिर्फ नगर पालिका के कागजों में सिमट कर रह गया है। फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।